गाइस वेलकम बैक टू प्रियंकास व्लॉग। और हम लोग आज सालतोरा से आसनसोल के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोग आए थे सालतोरा बिहारीनाथ घूमने के बाद। सालतोरा में थोड़ा हमारा कुछ काम था, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं रिटर्न टू आसनसोल। तो फिलहाल हम लोग रास्ते में ही हैं। अभी सामने एक सरसों खेत है, यहाँ हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा पिक्चर क्लिक करा है, वो मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और शाम के अभी बज रहे हैं 4, तो हम लोग फिलहाल अभी जाएंगे कहीं चाय पियेंगे, उसके बाद आसनसोल के लिए निकलेंगे। तो हम लोग वापस रिटर्न बिहारीनाथ हिल के तरफ से ही जाने वाले हैं। और तो आपने बिहारीनाथ का वीडियो मेरा देख ही लिया होगा, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा एंड सीन में दे दूंगी, देख लेना और आई बटन पे भी चेक कर लेना, वहां पे मैं दे दूंगी। तो चलिए मेरे साथ आसनसोल के लिए चलते हैं वापस रिटर्न टू आसनसोल। तो हमारा बांकुड़ा सालतोरा से सफर हमारा स्टार्ट हो चुका है आसनसोल के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी आसपास थोड़ा मोड़ा जंगल है। तो हम लोग ऐसे ही बातें करते करते जा रहे थे और सामने ये भेड़ बकरी सब आ गई हैं। और ये सब क्या होता है ना कि कभी आप गांव की तरफ जाते हो तो ये सब देखने को शहर में नहीं मिलता है, ये गाय ये बकरी उतना नहीं देखने को मिलता है, होते होंगे बट हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं। तो गांव की तरफ अगर आओगे तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। और ये एक सामने पहाड़ है, ये आपको कैसा लग रहा है बताओ? मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा फ़ोटो क्लिक किए हैं, वो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी वीडियो में। तो हम लोग ने भी यहाँ पर भी थोड़ा पिक्चर क्लिक किया था, उसके बाद हमारा एक आगे भी एक दो पिक्चर था। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे ही यहाँ का पहाड़ वगैरह सब देखते देखते जा रहे थे। और यहाँ हमें कोई अच्छा सा तालाब डैम वगैरह नहीं मिला, कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो हमें मिल जाता है। जैसे पिछली बार हम लोग पंचायत गए थे, वहाँ इतना सुंदर सा डैम था, हम लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा फ़ोटो क्लिक किए। आ रहे हम मम्मी, ये क्या है? What is this? नहीं मेरे को नहीं खाना है। अरे ये कूल है। No way. इतना पका हुआ यार। एक दिन कम आएंगे सिर्फ सुबह याकूल खाने के लिए। यार बचपन में यही खा के बड़ा। फ्रेंड्स इसको देखिए, ये कौन सा जंगल है यहाँ पे, ये जो हमारा बिहारीनाथ का जो जंगल है। और खाना है आपको? ना। कम हो गया। ये देखिए इसको बोलते हैं सियाकुल। सियाकुल पता नहीं, मैंने नामाकुल है ये। सियाकुल ये है टीना हमारी। हाथ दो हाथ दो हाथ दो टीना, इधर हाथ दो हाथ दो, मेरे को हाथ दो, उसको हाथ नहीं देना था। बाबू बाबू हमको डर लग रहा है। मेरा पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो बिहारीनाथ हिल का मैंने बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं एंड सीन में दे दूंगी, आप देख लेना वहाँ पे भी जाके, और आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करोगे आई बटन, आपको मेरा पिछला बिहारीनाथ का हिल वाला वीडियो मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। और हम लोग अभी फ़िलहाल ये सालतोरा से बिहारीनाथ की बिहारीनाथ होते हुए वनपुर का जो रिवर सॉरी वो जो ब्रिज है वो क्रॉस करते हुए आसनसोल जा रहे हैं। तो हम लोग पहले बिहारीनाथ हिल तो आ ही चुके हैं, आप लोगों ने पुराना वीडियो अगर देखते हो आप तो मुझे आपको पता ही होगा। फिर हम लोग अभी वहाँ से रिटर्न कर रहे थे। तो ये शाम का 3-4 बजे का टाइम है और काफ़ी अच्छा वेदर था उस दिन, और उस दिन था संडे, और संडे के दिन भी बिहारीनाथ में काफ़ी लोग पिकनिक करने के लिए गए थे। तो हम लोग ने रास्ते में थोड़ा सा खड़े होके कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा हल्का सरसों के खेत में पिक्चर्स क्लिक किया है। तो
तो हम लोग ऑलमोस्ट बिहारीनाथ पहुँचने ही वाले हैं, और हम लोग अभी थोड़े से आगे हैं बिहारीनाथ हिल के। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पिकनिक के लिए लोग बाहर से आए हुए हैं, और ये पिकनिक स्पॉट है, तो इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिकनिक करने के लिए लोग आते हैं। तो हम लोग बिहारीनाथ के तरफ से ही कभी भी सालतोरा से अगर आपको बिहारीनाथ आसनसोल आना है तो हम लोग कभी कभी ये रिवर क्रॉस करके भी आ जाते हैं, और कभी कभी रानीगंज के तरफ से भी आना पड़ता है। तो हम लोग जस्ट बर्नपुर का जो रिवर है, रिवर साइड है, वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और अभी हमें वो बच्चे नहीं मिले जो आने के टाइम पे चंदा लेने वाले थे, तो वो हमें कहीं नहीं मिले। शाम को शायद वो लोग कहीं पे भी नहीं मिले, लेकिन जाने के टाइम पे हमें 6 जगह पे मिले थे, और 6 जगह पे रोक रोक के वो लोग पैसा कलेक्ट कर रहे थे सरस्वती पूजा का चंदा बोल के। तो अभी तो जाने के टाइम में हमें नहीं मिले अभी तक। तो फिलहाल हम लोग ये छोटा सा जो ब्रिज है, स्टार्टिंग का ही छोटा सा ब्रिज है, यहाँ हम लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मुझे, और यहाँ से काफ़ी बाइक्स वगैरह जाना आना आता है। और इसको अगर आप मतलब क्रॉस करते हो तो यहाँ ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ 20 रुपीज़ ये लोग चार्ज करते हैं पर हेड, मतलब बाइक का 20 रुपीज़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाइक से उतर गए थे, और मैं पैदल वॉक करते हुए जा रही थी। मुझे कुछ तो हम लोग ये वाला जो लकड़ी का ब्रिज है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही वनपुर आ जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, काफ़ी लंबा था, तो हम लोग धीरे धीरे करके वो ब्रिज पर जा ही रहे थे। और यहाँ से भी कुछ गाड़ी वगैरह उधर से भी आ रहे थे, हम लोग इधर से जा रहे थे, और ये यहाँ पे ज़्यादा पानी था नहीं, दिख रहा था। वंडरफुल एक्सपीरियंस है गाइस यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस करने में, और सामने नदी है, देख पाओगे आप। और ब्रिज को क्रॉस करने में डर लगता है हम लोगों को, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है और थोड़ा टूटने का डर भी रहता है, बट हिम्मत करके क्रॉस तो करना ही है। और हम लोग ऐसे ब्रिज पे चलते हैं जो कि बांस का बना हुआ है, और वो लोग 20 रुपीज़ करके हमारा सामने ही जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वहाँ पे वो लोग 20 रुपीज़ करके चार्ज करते हैं। और पैदल पैदल हम लोग ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, और पानी बिल्कुल नहीं है, पानी कम है, बहुत पानी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो अभी नहीं है, वर्षा के टाइम पे पानी होता होगा, अभी तो नहीं है। तो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा रास्ता बाकी है, तो थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे। और ब्रिज को क्रॉस करने से वनपुर आ जाता है, वनपुर के बाद आसनसोल भी आ जाएगा, तो वहाँ कहीं किसी चाय दुकान में चाय पीते हैं। ठंड बहुत है, ठंड भी लग रही है। मेरा तो मन हो रहा था कि मैं एक बार और जाऊँ, और सुमी यहाँ पे आई नहीं है, तो सुमी को भी यहाँ पे लेके एक बार आऊँ, क्योंकि वो मेरा पिक्चर्स वगैरह देखी थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे भी जाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको भी कभी लेके आऊँगी यहाँ पे घुमाने के लिए। तो यहाँ पे वो आएगी तो रील्स वगैरह बनाती है वो, तो यहाँ पे आके वो बना सकती है, अच्छा उसका होगा और फ़ोटो भी अच्छा आएगा। तो हम लोग ये वनपुर वाले रास्ते में है, रिवर क्रॉस करने के बाद ये नेहरू पार्क पास में ही है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये नेहरू पार्क का ही है। तो लगभग हम लोग थोड़े देर में 15-20 मिनट में आसनसोल पहुँच जाएंगे अपने घर के तरफ। और अगर व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद शाम का चाय भी पीने वाले थे। तो हम लोग आसनसोल पहुंच गए हैं, हम लोगों को यहाँ पे आने में 1 घंटा लगा, और हम लोग फिलहाल अभी आसनसोल पहुंच गए हैं, जा रहे हैं अपने घर। पूरा दिन का जर्नी हो गया है, थक चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा चाय वाय पीनी है रास्ते में, फिर से घर जाके एक बार चाय वगैरह पी के रात का डिनर करने के बाद सो जाने वाले हैं। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अभी का ब्लॉग आप लोग जरूर देखना पूरा, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। पिछला ब्लॉग मैं एंड सीन में देने वाली हूँ, देख लेना, और
आई बटन पे भी दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।